और क्या बना रहे हैं? पनीर के पराठे बना रही हूँ। अच्छा, क्या क्या डाल रहे हैं पनीर के पराठे में? सर, पनीर के पराठे में मैंने मिर्च डाली हुई है, हाँ हाँ, ऑनियन डाला है, पनीर डाला है और शिमला मिर्च भी डाली हुई है मैंने उसमें। अच्छा, यस सर, आटे के साथ से गूंथ रही हूँ, उसे मिक्सअप कर रही हूँ। और डिलीशियस चटनी भी बना रही है। यस सर, बना रही हूँ। चटनी कौन सी है? चटनी कौन सी है? पनीर की चटनी है। पनीर चटनी, यस सर। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया है पराठे में कैप्सिकम डालना। थैंक यू सर। अच्छा टेस्ट आता है। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और आप क्या बना रहे हैं? चिली पनीर बना रही हूँ। हाँ जी। और रोटी और रायता मेन कोर्स। शी इज हैविंग कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग चिली पनीर एंड चिली पनीर इन मेन कोर्स आल्सो विद रोटी ग्रेवी। अच्छा, चाइनीज भी बना रहे हैं और आप इंडियन बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। कैसे मालूम पड़ता है कि आपको आपका प्याज जो है वो भून गया है इसमें? सर, एक तो इसमें रहता है थोड़ा हाई फ्लेम पे बनता है, चाइनीज में ये रहता है, इसको इतना ज़्यादा मतलब हाई फ्लेम पे पकाते हैं और स्मेल से एक थोड़ा आइडिया हो जाता है। जब मैं चलाती हूँ उसे तो उसका चलाने में ना थोड़ा सा अलग डिफरेंस आ जाता है, तो उस वजह से थोड़ा आइडिया हो जाता है। अब एक आइडिया भी हो जाता है कि करते करते का कि कितना टाइम लगेगा और कैसा है, तो उस वजह से ही पता चल जाता है। कभी आपको आग से डर नहीं लगा? नहीं सर, डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैं घर पे अकेली थी। अच्छा। और मुझे उस टाइम पे गैस नहीं जलाना आता था। अच्छा। तो मैंने चूल्हे पे पेपर वेपर इकट्ठा करके उसको आग लगाई, ऐसे माचिस चलानी तो आती थी। मैं 11-12 साल की थी, मैंने आलू की सब्जी बनाई थी, अच्छी बनी थी लेकिन तेल ज़्यादा था। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद मेरे को एक अंदर से वो हुआ कि छोटे से बच्चे को मींस बोलता है कोई कि आपने बहुत अच्छा करा, तो उसमें और अच्छा करना, तो उसके बाद से मेरा एक वो बन गया पैशन वगैरह करना। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। आपका मसाला बड़ा अच्छा बन रहा है। थैंक यू सर। अपीलिंग लग रहा है। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। सर, आई एम मेकिंग पास्ता शीट अलॉन्ग विद पनीर टिक्का स्टफिंग एंड इटालियन डो। पास्ता शीट बना रहे हैं? yeah. बड़ा मुश्किल काम है। आई होप इट गोज वेरी वेल। तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया पास्ता शीट बनाना? सर, एक्चुअली वी हैव एट होम। हाँ जी। सो आई हैव अ 4-year-old डॉटर। हाँ हाँ। सो आई डोंट वांट के वो बाहर जाके खाए अनहाइजीनिक। नो डाउट एकदम हाइजीनिक नहीं होगा, बट एटलीस्ट घर का मैं श्योरिटी दे सकती हूँ कि क्वालिटी अच्छा है। सो उसको ये सब खिलाने के लिए वेराइटी ऑफ क्यूजिन्स मैं उसके लिए सीखती हूँ कि चलो इसको पास्ता खाना है, इसको ब्रोकली खाना है, तो मैं घर भी बनाना सीख लेती हूँ। तो आई डोंट हैव टू टेक हर आउट। सो एटलीस्ट भी मरना पड़े। तो उसका डो बना लेते हैं आप पूरा परफेक्ट? माय डो इज रेडी। अच्छा, ओ मैं देख सकता हूँ उसको? या श्योर सर। सो आई हैव जस्ट केप्ट इट। बहुत बढ़िया। कैसे जज करते हैं इसकी जो हार्डनेस है सॉफ्टनेस है वो बराबर रहे? वो भून के ही। सो ऑन नेट आल्सो आई सीन के अगर पिज्जा बनाना है तो डो को कैसे भूनना है, पास्ता बनाना है तो डो को कैसे भूनना है। अच्छा। नान बनाना है तो डो को कैसे भूनना है, वीट डो को कैसे भूनना है, मैदा डो को कैसे भूनना है। सो आई हैव अ मैग्नीफायर, आई कैन सी 20% मैग्नीफायर इन माई फोन, सो इट कैन मैग्नीफाई द वीडियोज ऑल्सो। सो आई जस्ट ऑन इट आई मैग्नीफाई, इट मीन्स पूरे स्क्रीन में जैसे कि 7-inch का फोन रहता है, आई कैन सी 2-3 लेटर्स, उतना मैग्नीफाइड हो जाता है। सो दैट वे आई रीड एंड आई डू इट ऑन माई। आपको महसूस हो जाता है कि थिकनेस इसकी हार्डनेस ठीक है? या सर, या। तो पास्ता कैसे रोल करेंगे आप? सो आई विल रोल इट with my hand or if needed with the rolling pin. Pin. And then I'll cut it in a square and I will dip that square in a boiling water. Like lasagna seed. Yeah. आप हाथ से काटेंगे या मोल्ड से काटेंगे? Sir, knife. Knife से काटेंगे? Yeah. My God. So I don't know the Italian names and all that things, but I can give my own names. Oh, that's great. See, stuffing with paneer, right? You're stuffing. Lasagna, I know name. I have heard it, but I exactly don't know what goes in lasagna. Okay. So if my ingredients goes right and left, it will not be lasagna, okay. No. So I will. So it's your own creation. Swadish banega. Yeah, swadish banega. Right. That's why you are stuffing with paneer and something. Yeah, because paneer is my main ingredient, no sir. Okay. Paneer, yes, that is your main. So I have to do that. It's a twist, sir. Achha, okay. So paneer has to be there in any all of. No wonder everyone is using paneer today. Yeah. Yes. Great. Thank you, sir. All the best. और बड़ा अच्छा डो बनाया आपने. Thank you, sir.
हेलो, आप क्या बना रहे हैं आज? जी सर, आज मैं बना रही हूँ पनीर रोल। हाँ जी। और ये आज मैं खुद ही फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। अच्छा। हमेशा मैं इसको बेक करके पर आज डीप फ्राई करूँगी बिकॉज ओवन इज नॉट अवेलेबल। यानी तो और ओवन का कैसा होता है, हमें फैमिलियर रहा तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यूज़ नहीं कर सकते नई जगह पे। बिल्कुल ठीक बात है। और ये जस्ट लाइक आप स्टार्टर भी बोल सकते हो इसको, या टिफिन रेसिपी बोल सकते हो, क्योंकि ये मैंने गेहूँ के आटे में उसका रोल बनाना है एंड डीप फ्राई करना है पनीर की फिलिंग के साथ। पनीर की फिलिंग के साथ And another chef, what we have decided, like what the equipment we are giving, that is the only equipment they have to use. So they cannot ask for like any more mentioning oven and all. Perfect. So that is challenging for them. ये बड़ा फ्लेवरफुल मसाला आपका बहुत अच्छा लग रहा है सर। जस्ट अभी बनाया है, बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ करती हूँ कि घर में जो अवेलेबल है उसी चीज़ से हम लोग कुछ घर पे बनाएं, बाहर से कुछ लेके आने की ज़रूरत नहीं। कभी भी मेहमान आए तो हम लोगों को बाहर मार्केट में ऑन द वे जाना है, वो भी टफ है हम जैसे लोगों के लिए। तो घर पर जो इन्ग्रीडियंट्स है उसी से मैंने बनाना चाय या फिर यानी सेकेंड राउंड में भी मैंने घर पे जो तीन चार इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उसके हिसाब से मशरूम गार्लिक बनाया था। अच्छा बनाया आपने मशरूम गार्लिक? यस, मशरूम गार्लिक बनाए थे। लेकिन मशरूम को साफ करना बड़ा मुश्किल काम होता है। पर सर मुझे आदत हो गई है, मैंने प्रॉपरली साफ कर दिया था उसको। कैसे साफ करते हैं मशरूम को? इस पनीर की मैं पहले दंडियाँ निकाल देती हूँ और मुझे उसका वो कटोरी शेप रखना था, कट नहीं करने थे, इसलिए उसको मैंने वाटर में अच्छे से डीप किया, वॉश किया, प्रेस करके पानी निकाला उसका और ड्राई करने छोड़ दिया था, क्योंकि ऑलरेडी मशरूम में फाइबर की ज़्यादा कैपेसिटी होती है। तो उसको थोड़ा सा फ्राई करते तो उसमें पानी छूट आता है तेल में, उसके तरफ मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि वो जले ना। फिर आप खाना सब रखते हैं, आपका नॉलेज अच्छा है, आप क्रिएटिविटी करते हैं। यस सर, एक्चुअली अभी इसी में एक क्रिएटिविटी करनी बाकी थी तो इसके लिए भी मैं पहुँच गई मुंबई से यहाँ तक। बहुत इंप्रेसिव है। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा फीलिंग आपका मसाला बनाया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। या थैंक यू सो मच सर। सर मैं कढ़ाई पनीर और तवा रोटी। हाँ जी। अच्छा, कितने आटे बना लेते हो? कितने डिशेज बना लेते हैं सर? ऐसे तो मैं घर में कितने बना लेते हैं सर? सभी बना लेते हैं जितना कर पाती हूँ। थोड़ा फ्राई वाला चीज़ थोड़ा कम करती हूँ। सबसे मनपसंद डिश कौन सा? सर सभी मुझे बहुत पसंद आता है। फिर भी एक कोई ऐसा तो होगा जो आपको बहुत अच्छा लगता? सर रसगुल्ला। रसगुल्ला आप बना लेते हो? बना सकते हो? बना मतलब परफेक्ट 100% परफेक्ट नहीं होता, फिर भी वो एक आर्ट है बनाना। यस सर, बना लेती हूँ। बहुत इंप्रेसिव है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।